वेकोली वनी क्षेत्र की न्यू रेलवे साइडिंग एवं सीएचपी की प्रदूषण से घुग्गुस के नागरिक परेशान हो रहे हैं। इस प्रदूषण का असर लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है, ऐसा आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। वेकोली वनी क्षेत्र की न्यू रेलवे साइडिंग एवं सीएचपी की प्रदूषण से नागरिकों का हाल बेहाल। वेकोली वनी क्षेत्र की न्यू रेलवे साइडिंग एवं सीएचपी से सटकर घुग्गुस बस्ती तथा वेकोली वन क्षेत्र के कामगार वसाहतों में रह रहे हैं। नागरिकों के हाल कोयले के प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण से बेहाल है, विविध बीमारियों के चपेट में आकर त्रस्त हैं, ऐसा आरोप नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। घुग्गुस से हमारे संवाददाता प्रणय कुमार बंडी ने जानकारी दी है कि उनसे मिली जानकारी के अनुसार वेकोली वन क्षेत्र के घुग्गुस उपक्षेत्र में कंपनी द्वारा निर्मित न्यू रेलवे साइडिंग एवं सीएचपी में पैन गंगा खुली खदान, कोलगांव खुली खदान, मुंगोली खुली खदान, निलजई खुली खदान से कोयले की ढुलाई प्रतिदिन 15,000 से 20,000 टन साइडिंग और सीएचपी में दिन रात लाया जाता है। वैगनों में भर भर कर विविध प्रांतों में भेजा जाता है, जिसके चलते परिसर में रोजाना कोयले की प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है, जिसके प्रमाण पेड़ पौधों के पत्ते, पानी, घर के सामानों पर बैठे धूल के कणी बताते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घुग्गुस क्षेत्र में कैंसर, अस्थमा, शुगर, वायरल फीवर, डेंगू जैसे अन्य जानलेवा बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोयले के प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। समय रहते प्रदूषण नियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग ध्यान देने की मांग अब नागरिकों द्वारा दी जा रही है। और यहीं के एक सामाजिक कार्यकर्ता इबादुल हसन सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री को एक निवेदन के माध्यम से भी इस ओर ध्यान देने के लिए कहा है। घुग्गुस से हमारे संवाददाता प्रणय कुमार बंडी की रिपोर्ट। करीब 32 से 35 साल हो गए वनी एरिया, वेकोली की वनी एरिया की ये नई साइडिंग पे कोयला लाखों टन आवागमन होता है रेलवे से, और यहाँ पोल्यूशन की ये कंडीशन है कि लोगों को अनेक तरीके की बीमारियों से ग्रस्त है। WCL ना कोई मेडिकल कैंप लेती है ना बाकी सहूलियतें देती है इस क्षेत्र को, और कई सालों से जनता की मांग है कि ये रेलवे साइडिंग और यहाँ का जो CSP बंकर है जो कोल क्रेसिंग करता है घुग्गुस की आबादी को लगा हुआ, और ये न्यू साइडिंग रेलवे की जो घुग्गुस आबादी और WCL की कॉलोनी से लगा हुआ अंदर में है, और ये बहुत प्रदूषण फैला रहा है, बहुत बीमारियां हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी हस्तांतरित किया जाए, ऐसे घुग्गुस वासियों की मांग अनेकों सालों से चल रही है, और पोल्यूशन विभाग ने कार्रवाई करना चाहिए और इसे वेकोली दूसरे जगह पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ से वो लोडिंग करे।